वो जवानी जो खूने नहाती नहीं, वो जवानी जो खूने नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, कर चले हम विदा जान साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, नब्ज दमती गई सांस जमती गई, फिर बिगड़ते कदम को न रुकने दिया, सांस जमती गई नब्ज दमती गई, फिर बिगड़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम भी उनको अपने बाप दादा के कागज दिखा देंगे, पहले वो हमें अपने बाप दादा के कागज दिखा दें, हम भी उनको अपने कागज दिखा दें, उनके पास है मोदी। हाँ, आप जो है इतनी उम्र की हैं 72 साल की, तो आपको घर पे होना चाहिए था, आप यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। हम घर में बैठ करके क्या करेंगे, हमारे बच्चों की जब घर कटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए निकलेंगे नहीं, हम तो मर ही जाएंगे। हमने आपको बता दिया कि हमारा तो वक्त मरने का आ चुका है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो जो 50-50 साल अभी जियेंगे तो वो क्या करेंगे, कहाँ से कागज लाएंगे वो। आज जो मौलाना कल्बे सादिक साहब आए थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, वो आए थे हमारी हफ्ता अफजाई करने के लिए। मतलब उन्होंने क्या कुछ कहा? वो हमने सुना ही नहीं, इतनी भीड़भाड़ मीडिया इतना घेर चुका था उनको कि हमने उनकी बात कोई सुनी ही नहीं, और बहरे भी हैं थोड़े हम। तो जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि आजादी के जो नारे लगाएगा वो दोष तो रही हो जाएगा, हम आजादी के नारे लगाए, हमें नास्तिक आजादी मांग रहे, आजाद तो हम ही हैं, गुलाम हम कब है, हम तो गुलाम है ही नहीं, जो हम आजादी के नारे लगाएंगे, महंगाई तो आजादी है, नास्ती तो मांगा, हम आजादी मांग रहे हैं, हमें ना वो हमसे कागज मांग रहे हैं, कागज तो पहले अपने दिखा दे बाप दादा को, मोदी हमें दिखा दे, हम उनको दिखा देंगे। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, जिस वक्त अशफाक उल्ला खान खड़े थे, जाकिर हुसैन प्रधानमंत्री थे, पहले उस वक्त जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटा गया था, तो उन्हीं ने एक टुकड़ा दे दिया पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से चले, उनको जाना था चले गए, हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तान में रहे थे, उनको जाना तो गए, उनकी अपनी खुशी थी कि हम मुसलमान एक जगह रहे, हमारी खुशी थी कि हम हिंदू मुसलमान मिल कर रहे।